हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल टैलेंटपुर पर। मैं हूं आपका दोस्त शुभम। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए RRB LP CBT 3rd यानी साइकोलॉजी टेस्ट पर वीडियो नंबर 13, क्लास 13। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो कंसंट्रेशन टेस्ट है आपका डिजिट सर्च, जिसमें करने का आपको क्वेश्चन आता है, इसके बारे में मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको कंसंट्रेशन टेस्ट के टाइप बी और टाइप सी का इंट्रोडक्शन दूंगा, और इस पर एक स्पीड टेस्ट दोस्तों मैं लेकर आया हूँ 75 क्वेश्चंस का, जो आपको 4 मिनट्स में करना है। तो दोस्तों, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपने पिछले वीडियोस के टॉपर्स के नेम। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भी टॉपर्स होंगे अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में डालिए टेस्ट करने के बाद, और जो टॉपर्स होंगे उनके नेम मैं अपनी वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो दोस्तों, क्लास 11 जो मेमोरी टेस्ट था उसमें अमरेश प्रधान 42 आउट ऑफ 42। दोस्तों, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात से कि जितने भी आप मेरे से जुड़े हुए हैं इतनी अच्छी से आप तैयारी कर रहे हैं, कि पहले आपके मार्क्स कम आते थे लेकिन अब आप 100% मार्क्स लाने लगे हैं। अब मुझे नाम इतने ज़्यादा हो गए कि मुझे 100% से नीचे जाने का मौका ही नहीं मिला। 42 आउट ऑफ 42 में ही मुझे 8 नेम्स मिल चुके, 8 नाम मिल गए। तो अमरेश प्रधान, रवि गुप्ता, सोहन लाल, पिंकेश मिश्रा, निशा चौधरी, विक्की कोचली, खुशाल शर्मा, कन्हैया लाल। तो दोस्तों, ये टॉपर्स हैं क्लास 11 के, इनके 100% मार्क्स हैं। फिर दोस्तों, टॉपर्स ऑफ क्लास 12, तो बहुत से नाम दोस्तों ऐसे हैं जो दो चार टेस्ट में टॉपर्स रहे हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और दोस्तों, इस टेस्ट में जो आज ये वीडियो अपलोड की मैंने, उसमें ये पहले दिन के दोस्तों ये है, निशा चौधरी 72 आउट ऑफ 72 फुल मार्क्स, एच पाशा, हेमंत, आलोक कुमार, अशोक कुमार सैनी। दोस्तों, ये अशोक जी बोल रहे थे कि इनका नाम अनाउंस कीजिए, तो मैं इनको भी इंडिकेट करके इनका नाम बताता हूँ। अशोक कुमार सैनी, रुद्र कुमार खंडेकर, सुधीर कुमार, राजू वर्मा, अंकलेश्वर जोशी, कैलाश सुमन, बबलू जाटव। बबलू भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, दीपक वर्णेकर ये भी रेगुलर हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार अपनी तैयारी बरकरार रखें, डेफिनेटली आप साइकोलॉजी टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगर आपने दोस्तों अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिल पाएंगे। दोस्तों, ये टाइप बी एंड सी का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। दोस्तों, आपको आपके सामने इसमें 4 ग्रुप होंगे डिजिट्स के, ए बी सी एंड डी। इन 4 ग्रुप्स में आपको डिपेंड करता है एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इन 4 डिजिट के जो ग्रुप होंगे दोस्तों, इनमें 6 डिजिट होगा, तो आपको वो ऑप्शन जिसमें जिस ग्रुप में 6 डिजिट है यानी 6 अंक है, उस ऑप्शन को आपको बताना है। वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर एक से अधिक ग्रुप में 6 डिजिट आता है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई। ये तो हो गया दोस्तों 6 के लिए। इसी प्रकार 9 पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो अभी न्यू पैटर्न है उसमें दोस्तों एक 6 का टाइप दिया है RDSO वेबसाइट पर, और एक 9 का भी दिया है। यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से किस ग्रुप में 9 डिजिट है। तो दोस्तों, आपको कहाँ वहाँ 9 ढूंढना पड़ेगा। तो अभी जो मैंने टेस्ट बनाया है वो दोस्तों आपको करना क्या है, योर टास्क इज़ टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच कंटेन्स आ डिजिट 6 और 9, ठीक है दोस्तों। तो आपको 6 या 9 जिस भी डिजिट ग्रुप में आएगा उसके बारे में बताना है, लेकिन इसमें आपको इस टेस्ट में केवल 6 वाले बताने हैं, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों, ये इस प्रकार के 75 क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंसंट्रेशन टेस्ट के टाइप ए में 96 क्वेश्चन आएंगे 4 मिनट्स में, और अगर ये डिजिट सर्च करने वाला टाइप आता है तो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे 4 मिनट्स में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपने पास आंसर शीट तैयार कीजिए, ताकि आप उसमें अपने आंसर लिख सकें, ए बी सी जैसा भी रहेगा। जैसे कि इसका 1 का ए है, 2 का बी है, सी है, डी है, कई सारे में 6 है तो ई है। इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिए, इसके जीरोक्स अपने पास करा लीजिए। और दोस्तों, बढ़ते हैं अपने, तो यहाँ पर दोस्तों मैं हर स्लाइड को आपके सामने 30 सेकेंड्स यानी 30 सेकेंड के लिए रखूँगा। कितने टाइम के लिए दोस्तों, 30 सेकेंड्स के लिए। टोटल 8 स्लाइड्स हैं, तो 240 सेकेंड्स यानी दोस्तों
4 मिनट का टाइम आपको इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं इसका सॉल्व करके पहला क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दोस्तों क्या है, 6 देखिए दोस्तों, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जब एक से अधिक ग्रुप में 6 आ जाए, इफ़ यू फाइंड 6 इन मोर देन वन ग्रुप्स, देन योर आंसर विल बी ई। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई। अगर केवल एक ही ग्रुप में होता है तो जिस ग्रुप में होगा चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, वही आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कीजिए इसको। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, अगली स्लाइड दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, अगली स्लाइड, अगली स्लाइड 57 to 66। दोस्तों 75 में से अगर आपके 50+ मार्क्स आते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं, 50+, तो आप सभी पास हैं। अगली और अंतिम स्लाइड,
67 to 75, आपका समय दोस्तों होता है समाप्त। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें। वीडियोस में आप दोस्तों व्यूज़ तो आप दे रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करें ज़रूर और कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखें ताकि अगले वीडियो में आपके मैं टॉपर्स के नाम अनाउंस कर सकूँ। और दोस्तों जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख दें। और दोस्तों अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों मैं साइकोलॉजी टेस्ट की पूरी तैयारी आपको कराऊँगा टैलेंटपुर पर। और दोस्तों RRB की जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उन सारी वैकेंसीज़ के लिए मैं तैयारी आपके टैलेंटपुर पर ही कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।